जय हिंद साथियों। चलिए सामान्य हिंदी से 51 यानी 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो बार बार, ठीक है, बार बार पूछे जाते रहे हैं हर एक एग्ज़ाम में, जिसमें भी दोस्तों हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये 51 क्वेश्चन काफ़ी खास होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्द दोस्तों आप सभी को ये 51 क्वेश्चन मैं डिस्कस करा दूंगा और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा आप भी, ठीक है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद PDF डाउनलोड करें, टेस्ट लगा लें अपना, साथ के साथ आपका ये दोस्तों 51 क्वेश्चन का प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग दोस्तों किसे कहते हैं, जो किसी वाक्य के स्टार्ट में जड़े यानी शुरू में जो जुड़ता है, ठीक है, उसे कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। उप प्लस कार, तो उप क्या है दोस्तों, उपसर्ग हो गया, इसलिए राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, ठीक है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों याद रखिएगा, ये इसमें बनाई गई है बूढ़ा से, ठीक है, बूढ़ा से बनाई गई है भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापे का क्या आता है, भाव आता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा बुढ़ापा ए ऑप्शन, ठीक है। बूढ़ा हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा कैसे हो गया भाई, बूढ़ा कौन, बूढ़ा स्त्री बूढ़ी है, ठीक है, या फिर जेंट्स बूढ़ा है, तो वो जाति का बोध करा रहा ना, ठीक है भाई, बूढ़ा कुत्ता है, ठीक है, बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा कोई जानवर है, तो भाई पूरी बूढ़े की पूरी जाति का बोध करा रहा, और बूढ़ा से बन गया बुढ़ापा, ठीक है, इसलिए बुढ़ापे का भाव आ गया, ठीक है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिएगा अगला, निम्न में से विराम चिन्ह नहीं है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। चलिए इनमें से दोस्तों यदि आपने दिया है बी ऑप्शन अवतरण को, तो राइट आंसर रहेगा अवतरण, दोस्तों विराम चिन्ह की कैटेगरी में नहीं आता। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, अगला है 4 नंबर, वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों आज रट लीजिएगा, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, ठीक है, दिख प्लस आवा, ठीक है, भूल प्लस आवा, ठीक है, चढ़ प्लस आवा, चढ़ावा, तो लावा ही रह गया, लावा में नहीं है, यदि सी आंसर दिया है तो सही है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। दोस्तों इसके लिए यदि आपने दिया है आंसर भारोपीय, यानी सी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, इनमें से कौन सी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी कौन सी है। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि आपने कृपा को चुना है बी ऑप्शन में, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय जो कि बाद में लगता है, ठीक है, तो निम्न में किस में प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है दोस्तों 8 नंबर का बी आंसर रहेगा, जादू प्लस घर, यानी कि जादू प्लस घर प्रत्यय किसी के बाद में जो जुड़ते हैं, तो इसलिए राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 51 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। क वर्ण किसके योग से बना है, जो क वर्ण है वो किसके योग से बना, भाई आपको पता है प्रत्येक व्यंजन के साथ में ए मुक्त में बोला जाता है, आधा तो वो व्यंजन होता है जो है, ठीक है, और ए मुक्त में बोला जाता है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो दोस्तों याद रखना हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश भाषा से, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, भाई व्यंजन दोस्तों आप लोगों को पता है वैसे तो कुल मिलाकर कितने होते हैं, 33 स्वर कितने होते हैं, 11 मूल रूप से स्वर होते हैं, 7, 52 अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, स्पर्श व्यंजन की बात करें तो 25 होते हैं, डी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य कौन सा है, चलिए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 12, मिश्र वाक्य कौन सा है, तो राइट आंसर है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, दोस्तों ये मिश्र वाक्य है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना होगा, ये वाक्य कैसा है, ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना होगा, ये कौन सा वाक्य है, दोस्तों ये मिश्र वाक्य है, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में
अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14, तो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सा विरामचिह्न ऐसा है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? तो दोस्तों ये वाला नहीं लिया गया, आपने देखा नहीं होगा अंग्रेजी में ये लगता हुआ। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 15, चलिए राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये है निर्वाह में दोस्तों प्रयुक्त उपसर्ग। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला 16, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? धन प्लस एक, एक प्रत्यय होता है, इसलिए बी आंसर 16 नंबर का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 17, यथार्थ में कौन सी संधि है? ठीक है, यथार्थ में कौन सी संधि है? 17 नंबर, यदि आपने चुना है ए ऑप्शन को तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। भाई ये आपका टेस्ट नहीं करा रहा हूँ मैं, आप सभी को डिस्कस करा रहा हूँ कि भाई ये 51 क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, आपके प्रत्येक एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो 18 नंबर का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उद्गम। उद्गम जो है दोस्तों वो तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम यानी कि जो जो पहले बोले जाते थे। 18 नंबर का राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा अगला, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? देखिएगा काल दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य, ठीक है। भूतकाल तीन प्रकार का होता है, वर्तमान काल तीन प्रकार का, भूतकाल छह प्रकार का, और भविष्य काल भी दोस्तों तीन प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक है, अकर्मक यानी कर्म नहीं होगा उसमें, तो गेहूं पिस रहा है, यानी सी ऑप्शन यदि आपने लगाया तो बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है? देखिएगा सभा, मिठास, सोना, तो सभा हो गया यदि आपने लगाया, सभा, परिषद, ठीक है, और अंगूर का गुच्छा, तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन आप लोगों को करना है। चलिए दोस्तों, तो वृक्ष पर सांप लौटने लगे, ठीक है, वृक्ष पर सांप लौटने लगे दोस्तों ये बिल्कुल इसमें गलत है, ठीक है, वक्ष। अगला देखिएगा, वक्ष की जगह वृक्ष होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो किस शब्द में नहीं है? 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों राइट आंसर है बुद्धिमान, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें हलंत संबंधी कोई अशुद्धि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श कौन सा व्यंजन है? देखिएगा आप लोगों को पता होगा जितने भी श हैं वो कैसे हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24 का। अगला, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? तो भाई समुद्र मंथन करने का अर्थ दोस्तों राइट आंसर है कठोर परिश्रम करना, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो भाई चिर ये, तो सीधा सीधा देख गया डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला, यानी जैसा दूल्हा, ठीक है, जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ क्या है? ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर एक, सभी साथी एक जैसे, ठीक है, जस दूल्हा तन बनी मतलब बराता, तो सभी लोग एक जैसे हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? भाई संयुक्त, ठीक है, संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो 28 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का डी, उसने खाना खाया और सो गया, यानी कि सोने से पहले एक क्रिया उसने कर ली, खाना खा लिया, तो दो क्रिया एक साथ जुड़ गई, तो ये देख लीजिएगा किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, उप प्लस कार, तो 29 नंबर का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य कैसा है? भाई अरे उसने कमाल कर दिया, तो ये कैसा शब्द हो गया? विस्मय बोधक, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव में, तो याद रखिएगा 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आव है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है 32, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? देखिएगा ये तीन प्रकार के होते हैं शब्द, कौन कौन से? एक तो हो गए रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, ठीक है, तीन प्रकार के हो गए शब्द। चलिए अब जो छोटे शब्द हैं वो रूढ़ होते हैं, योग रूढ़ वो रूढ़ होते हैं जो तीसरे की तरफ इशारा करें, और जो संधि विच्छेद जिसका हो जाए दोस्तों वो यौगिक शब्द होता है, इसलिए इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपादान कारक की विभक्ति, अपादान यानी किसी से अलगाव होगा, किसी से दूर होगा, 33 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर है सी ऑप्शन से, ठीक है, याद रखिएगा, यानी किसी से अलग होना।
वाक्य के अशुद्ध भाग का इसमें चयन करना है, तो वाक्य के अशुद्ध भाग का आप लोग चयन करेंगे दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा तो तुम्हारी पुस्तक, ठीक है, तो तुम्हारी पुस्तक ये गलत है। नेक्स्ट, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पवित्र। अब दोस्तों 35 नंबर राइट आंसर 35 नंबर का हो जाएगा, पवित्र में है दोस्तों यह रह के साथ में पूरा अक्षर, इसलिए अयादि संधि हो जाएगी, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? ठीक है, वर्ण संबंधी अशुद्धि कौन से में है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अनुकूल में है। नेक्स्ट 37 नंबर, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य कैसा है? ठीक है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा ये वाक्य कैसा है? तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। 38 नंबर, जागी पाप ने फटे बिवाई ओके जाने पीर पराई, ये वाक्य कैसा है या फिर इसका अर्थ क्या है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो 39 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, ये दोस्तों मिश्र वाक्य में ये विशेषण उपवाक्य है। 40 नंबर क्वेश्चन अगला, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, यानी जिससे समूह का बोध नहीं होता हो? तो वो राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा, प्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 41, विरोध करना के लिए एक मुहावरा सही है, ठीक है, विरोध करना। 41 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर रहेगा सिर उठाना, यानी कि किसी का विरोध करना। नेक्स्ट अगला, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी ऑप्शन, क्योंकि इसी में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। मतक्य में कौन सी संबंध मतलब संधि है? देखिए दो मात्रा दिख गई, तो दो मात्रा देखने पर कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि, यानी 43 नंबर का राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अब, ऊष्म और संयुक्त किस मतलब किसके प्रकार हैं? ऊष्म और संयुक्त दोस्तों ये व्यंजन के प्रकार हैं, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला, राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त बनाना है तो कैसे बनेगा? इसका संयुक्त बनेगा राम घर गया और उसने माँ को देखा, इसलिए 45 नंबर का सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो बे प्लस इंसाफी, यानी कि बे आंसर बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो ए ऑप्शन वर्षा जो है दोस्तों वो तत्सम शब्द है, बाकी सभी कैसे तद्भव हैं। नेक्स्ट देखिएगा 48, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है 48 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ओढ़ नाम है दोस्तों, उपसर्ग नहीं है, बी ऑप्शन सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है, ठीक है, पुरोहित पुर है प्लस हित, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? 50 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर है दोस्तों नारी, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरे का दोस्तों यूज करें तो कौन सा मुहावरा इनमें से सही हो जाएगा? तो नाश कर देने के लिए सही मुहावरा है दोस्तों, याद रखिएगा, वो है पानी भरना, ठीक है, पानी भरना यानी किसी का नाश कर देना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के जो 51 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं कैसे लगे? अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।